हेनरी क्लासेन ने चीनी टीम इंडिया से जीत, साउथ अफ्रीका सीरीज में 2-0 से आगे। तो दोस्तों क्या रहा पूरे मैच का हाल, कैसे जीत साउथ अफ्रीका टीम, बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम साउथ अफ्रीका से इस T20 सीरीज को जीते तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को दूसरे T20 मैच में 4 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका 5 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 से आगे हो गया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मेहमानों को 149 रनों का लक्ष्य दिया था। इस लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 18.2 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। 149 रनों के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम ने 29 रनों पर साउथ अफ्रीका के 3 विकेट गिरा दिए थे। तीनों विकेट स्विंग गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने लिए। मैच टीम इंडिया की गिरफ्त में आता दिखाई दे रहा था, तभी हेनरी क्लासेन ने पासा पलटते हुए मैच का रुख साउथ अफ्रीका के पक्ष में मोड़ दिया। उन्होंने अपने T20 करियर की 4th 50 लगाते हुए 46 गेंदों में 81 रन जड़ दिए। इस पारी में उनके बल्ले से 7 चौके और 5 छक्के निकले। उनको हर्षल पटेल ने अपना शिकार बनाया। क्लासेन का साथ डेविड मिलर ने 20 रन बना कर दिया। इसके अलावा कप्तान टेम्बा बाउमा ने 30 बॉल में 35 रनों की उपयोगी पारी खेली। साउथ अफ्रीका ने 18.2 ओवर में 6 विकेट पर 149 रन बनाए। भारतीय टीम के लिए भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 13 रन देकर 4 विकेट लिए। 1 विकेट युजवेंद्र चहल के खाते में आया। चहल ने 1 ओवर में 23 रन लुटाते हुए कुल 49 रन खर्च किए। तेज गेंदबाज हर्षल पटेल भी 1 विकेट निकालने में सफल रहे। बदलते साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाउमा ने एक बार फिर टॉस जीता और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। पहले बैटिंग के लिए आई भारतीय टीम ने ऋतुराज गायकवाड़ 1 विकेट केवल 3 रन के स्कोर पर गवा दिया। दिल्ली में 76 रनों की पारी खेलने वाले ईशान किशन ने कटक में भी मोर्चा संभाला और सुरेश अय्यर के साथ 2रे विकेट के लिए 45 रन जोड़ दिए। तभी एनरिक नॉर्टे ने ईशान किशन को 34 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर मैदान से बाहर भेज दिया। टीम इंडिया के खाते में 20 रन और जुड़े ही थे कि कप्तान ऋषभ पंत भी 5 रन बनाकर आउट हो गए। हार्दिक पांड्या 9 और अक्षर पटेल 10 भी बल्ले से कोई कमाल नहीं कर पाए। भारत के लिए सबसे ज्यादा 40 रन सुरेश अय्यर के बल्ले से निकले। वहीं दिनेश कार्तिक ने भी 21 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्के लगाकर 30 रनों की नाबाद पारी खेली। उन्होंने हर्षल पटेल 12 के साथ 7वें विकेट के लिए 36 रन जोड़े। भारत का फाइनल स्कोर 20 ओवर में 6 विकेट पर 148 रन रहा। एनरिक नॉर्टे ने भारत के 2 खिलाड़ियों को चलता किया। इसके अलावा कगिशोर अवाड़ा, वेन पॉर्नेल, ड्रेवन प्रोटियास और केशव महाराज ने 1-1 विकेट लिया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। साउथ अफ्रीका की जीत और टीम इंडिया की हार पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। ज्यादा जानकारी और क्रिकेट की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।